आरपीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सिंह। आरपीटीवी न्यूज की लगातार खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और वहीं पास ही में बेल आइकॉन को दबाना ना भूले लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। देख थाना सेनवा शहर के अपराध क्रमांक 97/2019 धारा 25/127 आर्म्स एक्ट एवं 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 एवं थाना नागलवाड़ी के अपराध क्रमांक 74/2019 धारा 25(1)(a) 27(1)(b) भारतीय दंड विधान के अपराधों में फरार उद्घोषित 10,000 इनामी आरोपी संजय यादव को लगभग 10 माह से फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक श्री DR तेनीवार द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर उनके द्वारा निर्देशन मार्गदर्शन में आरोपी की पतारसी तो पिछले 2 माह से लगातार विभिन्न संभावित स्थानों पर दबिश दी जाकर सरगर्मी से तलाशी की जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 17/1/2020 को पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना राजपुर क्षेत्र अंदर वाहन चेकिंग के दौरान आरोपी संजय यादव और उसका साथी राम स्वरूप चौधरी को धर दबोचा। आरोपी संजय यादव के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत जिला दंडाधिकारी बड़वानी द्वारा जारी वारंट कामिल कराया गया। आरोपी संजय यादव उसके साथी राम स्वरूप चौधरी की तलाशी कर उनके कब्जे से एक देसी पिस्टल, मैगजीन, 2 जिंदा कारतूस एवं एक देसी 12 बोरी का कट्टा और 2 जिंदा कारतूस जब्त कर थाना राजपुर में आरोपी गण के विरुद्ध अपराध क्रमांक धारा 25(27) आर्म्स एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार आरोपी संजय पिता विष्णु प्रसाद यादव उम्र 51 साल निवासी दारू गोदाम सेंधवा, राम स्वरूप पिता ईश्वर चौधरी उम्र 23 साल निवासी दारू गोदाम सेंधवा। इनसे जब्त अवैध हथियार, एक देशी लोहे की पिस्तौल, मैगजीन, 2 जिंदा कारतूस, करीबन 8,000 रुपये, एक देशी 12 बोर का कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, कीमत करीबन 3,000 रुपये। टीम में शामिल सदस्य सुनीता रावत, एडिशनल SP जिला बड़वानी, निरीक्षक TH डावर, थाना प्रभारी सेनवा शहर, निरीक्षक अनिल बामनिया, थाना प्रभारी राजपुर, उप निरीक्षक त्रिवेणी राजपूत, उप निरीक्षक विजय रावत, सहायक उप निरीक्षक स्वदेश कुमरावत, सहायक उप निरीक्षक प्रकाश राय, प्रधान आरक्षक दीपक जायसवाल, प्रधान आरक्षक रमेश यादव, आरक्षक योगेश पाटिल, आरक्षक जगजोत सिंह, आरक्षक सेंधवा निवासी संजय पिता विष्णु प्रसाद यादव जो दारू गोदाम सेंधवा का रहने वाला था, यह मार्च 2019 से सेंधवा के एक विस्फोटक अधिनियम के प्रकरण में, वो नागरवाड़ी के आर्म्स एक्ट के प्रकरण में फरार था। यह आदतन अपराधी था और इसके विरुद्ध इसके पहले 47 अपराध जो है पंजीबद्ध हैं, 1991 से अपराध जगत में संलिप्त है और सभी प्रकार के इसके रूप लूट, आपके 307 के प्रकरण, अड़ीबाजी, ये सारे प्रकरण जो इसके ऊपर थे और ये पुकारो आदतन अपराधी था। मार्च से फरार था। पुलिस सेंधवा को, बड़वानी पुलिस को मार्च 2019 से इसकी लगातार तलाश थी लेकिन दस्तयाब नहीं हो रहा था विगत दिनों, इसलिए इसके ऊपर 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया था और बड़वानी पुलिस के द्वारा इसके विरुद्ध जो है NSA का जो है इसका सभी पेश कर रखा था। तो अभी कुछ दिनों पूर्व जो है माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा जो है NSA का वारंट जारी किया गया था। इस संजय यादव की तलाश के लिए हमने एक विशेष टीम गठित की। एडिशनल SP श्रीमती सुनीता रावत के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है और लगातार 2 माह के प्रयासों के उपरांत जहाँ जहाँ सूचना मिली निरंतर दबिश दी, महाराष्ट्र में भी दबिश दी, स्थानीय जहाँ जहाँ खबर मिली जिला पड़वाने के विभिन्न स्थानों तलाश की थी। कल यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक I-20 गाड़ी में संजय यादव और उसका एक साथी रामस्वरूप चौधरी जुलवानिया से ये राजपुर की ओर आ रहे हैं। तो इस सूचना पर गाड़ी को उसको रोका गया, गाड़ी में मिला संजय यादव, उसका एक साथी मिला, तलाशी ली गई। तलाशी में इसके पास जो है 2 हथियार मिले, इसके और साथी हथियार मिले, इसलिए इसके विरुद्ध और उसके साथी विरुद्ध आरोप सेट की कार्रवाई की गई है और चूंकि NSA का वारंट इसमें तामिल करना था, NSA का वारंट इसमें तामिल किया। सर किसी पार्टी से बिलोंग था संजय यादव? पार्टी से पहले किस राजनीति में था लेकिन हाल ही में ऐसा स्पष्ट नहीं है किस पार्टी से बिलोंगे, लेकिन जो खबर आ रही है कि यह भारतीय जनता पार्टी से समर्थित। सर कौन से हथियार मिले थे? इसके पास जो हथियार मिला है, एक देसी पिस्टल मिली है और इसके साथी पर एक कट्टा मिला है। कोई जिंदा कारतूस मिले? हाँ, जिंदा कारतूस में मिला है और मैगजीन मिली है। सर भागने की कोशिश भी करी थी जब पुलिस ने? हाँ, चूंकि हमारे पास एडिशनल SP के नेतृत्व में जो टीम थी, काफ़ी 15-20 पुलिस जवान साथ में थे, इसने जैसे गाड़ी रोकी तो उसने भागने का प्रयास किया था लेकिन हमारे पास पुलिस की सतर्कता से इसको पकड़ लिया गया। सर पूर्व में जो अप्रैल में जो मामला दर्ज हुआ था, इसमें क्या क्या बरामद हुआ था?
ये मार्च में 2019 के मामले थे और इसमें पिस्टल इस जो साथी थे गाड़ी से जा रहे थे इनके साथियों से जो पिस्टल और माउजर जो है वो बरामद की थी और ये चूँकि फरार हो गया था और इसके घर पे तलाशी थी, घर में कुछ हथियार मिले थे और गोला बारूद मिले थे, इसलिए विस्फोटक अधिनियम के तहत पटना पर गिरफ्तार हो। 47 अपराध जो है भारतीय दंड विधान या अन्य विधान के अपराध पंजीबद्ध है। हाँ, इसको आज SDM राजपुर सॉरी कोर्ट न्यायालय राजपुर में पेश किया जाएगा, जिला उच्च न्यायालय कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा, फिर NSA के तहत उसको संबंधित न्यायालय किया जाएगा। हाँ, अभी चूँकि NSA का वारंट है इसलिए तमिल किया जाएगा और उसके बाद में सेंधवा और नागलवाड़ी के जो प्रकरण हैं इसमें विधिवत प्रोटेक्शन वारंट लेकर के इस पर रिमांड लेने का।